नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विस्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए शुभम गुप्ता की, जिनका पार्थिव शरीर उनके घर आवास पर पहुंचा। इस दौरान वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ा। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर उनके निवास ताजनगरी फेज 1 स्थित प्रतीक इनक्लेव पहुंचा, जहां देर शाम पैतृक गांव कुआखेड़ा में शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ा। इस कड़ी में राजनेताओं के साथ ही तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता को श्रद्धांजलि देने मौके पर पहुंचे। श्रद्धांजलि देने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने बयान दिया और कहा कि देश के 125 करोड़ लोगों की ओर से शहीद को नमन है। शुभम के पिता बसंत गुप्ता हमारे पुराने मित्र हैं। उन्होंने कहा कि आज हम इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। शुभम गुप्ता की शहादत बेकार नहीं जाएगी, सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, जो कि स्वयं एक बहुत बड़े देश प्रेमी हैं और हर देश प्रेमी के प्रति उनके जो संवेदनाएं हैं, जो श्रद्धा है, उसका एक प्रतीक के रूप में, क्योंकि जो शहीद हुआ है आगरा का ये लाल शुभम, इसकी कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुझे नामित किया है और 50 लाख का चेक और इनके एक परिवार को कहीं सरकारी नौकरी, जहां भी परिवार वाले जिसको मुझे नामित करेंगे उसको दी जाएगी। मेरे बसंत गुप्ता जी और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। परिवार के और उनके बेटे ने शहादत दी है। तो बेटे, हम बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां कार्तिक पूर्णिमा को लेकर डीएम ने घाटों का निरीक्षण किया है। तो बागपत में कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के तहत जोरों पर तैयारियां की जा रही हैं। इस कड़ी में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने अधिकारियों के साथ छपरौली पहुंचकर यमुना घाट का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने संबंधित अधिकारियों को और नगर पंचायत को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, लाइट, मेडिकल की संपूर्ण व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। बात कर लेते हैं सीतापुर की, जहां कैबिनेट मंत्री जितेन प्रसाद ने निर्माणाधीन पुलों का निरीक्षण किया है। तो कैबिनेट मंत्री जितेन प्रसाद सीतापुर पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन पुलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन पुलों के काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माणाधीन पुलों का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ समीक्षा की गई है, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो सीतापुर शहर के लिए एक लाइफलाइन साबित होगी। ट्रैफिक की जो समस्या है और यहाँ से जो आवागमन रहता है दूसरे क्षेत्रों में जाने के लिए, ये शहर के बीच में जो रेलवे फाटक था उसके लिए ओवरब्रिज का निर्माण लोक निर्माण विभाग करा रहा है और आज स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी समझौता क्वालिटी से नहीं किया जाएगा, गुणवत्ता से और समय सीमा पे ये कार्य पूरा कराया जाए, ताकि जनता को जो इतनी असुविधा हो रही है ये पुल बनने से बहुत ही यहाँ का आवागमन सुचारू रूप से चल पड़े। श्यामनगर रेलवे क्रॉसिंग में निर्माण कार्य पूरा जो है चालू नहीं हुआ है, होगा जाम लगी रहती है। स्वीकृतियाँ करा दी गई हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा कि सीतापुर के लिए ये नैमिष की धरती है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है यहाँ इस जनपद में। तो जितने भी यहाँ पे रेलवे ओवरब्रिज हैं और सेतु हैं जिससे लोगों का पूरे देश भर और प्रदेश भर से आवागमन होता है, तो वो बनाए जा रहे हैं और जल्द से जल्द। तो बात शामली की कर लेते हैं, जहां महिला के साथ मारपीट का मामला सामने है। इस दौरान पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार भी लगाई है। तो शामली में 3 तलाक के आरोपी की तरफ से महिला के परिजनों के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला और उसके परिजनों के साथ मारपीट की, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बता दें कि ये पूरा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पंसरिया का है, जहां इस दौरान महिला ने पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े किए। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हिरासत में लिए आरोपी से पूछताछ की और जांच का बहाना लगाते हुए उसे जल्द ही छोड़ दिया। तो वहीं पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ मिलकर थाना कोतवाली पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पुराने
साल हो चुके शादी से ही, कुछ पहले मारपीट करते थे और दहेज मांगते, मोटरसाइकिल मांगे, कभी कहें तुम लड़की हो या लड़का क्यों नहीं होया, मारपीट करके बाहर निकाल देते। तो हमने श्यामली थाने में कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो इन्होंने मुकदमा लिख दिया था, तो मुकदमा चल रहा था। फिर ये ना कल आए थे, कौन आए थे? शाहरुख, नफीस, सुहेल, मोहसिन, तो इन्होंने तोड़फोड़ करी और मेरे मारपीट करी खूब, फिर हल्ला हो गया। फिर मोहल्ले के सारे आदमी आ चुके, फिर इन्होंने फ़ोन करके मोहल्ले वालों ने 100 नंबर पे, फिर पुलिस को बुलाई। मेरे कपड़े फट चुके थे, मैं बहुत चोट आई मेरे, मेरी भी छोटी सी लड़की थी उसे भी खींची ऊपर से जीने में से, मुझे भी खींच के ले जा रहे थे, उन्होंने कहा जान से मार देंगे, अपनी रिपोर्ट उठा लो। ये मैं श्यामली का रहने वाला हूँ, चांद मस्जिद। तो मैं इस वजह से आता हूँ यहाँ पे कोतवाली में, हमारी बहन का जो है मुकदमा चल रहा। अब लड़का बार बार परेशान करता है, 6 साल पहले शादी हुई थी हमारी बहन की, कभी दहेज मांगे, कभी मोटरसाइकिल मांगे, कभी पैसे मांगे 2-2.5 लाख रुपए। हम हमने जितनी SSC मारी, हमने इतने अपना बजट के हिसाब से शादी की, फिर भी परेशान करा। फिर कभी तलाक देता है, तलाक देने के बाद में फिर फ़ोन अलग अलग मोबाइल नंबर से फ़ोन मोबाइल पर करता है, कभी तलाक के मैसेज भेजिए, कभी धमकी देता है कि ना अपनी अपनी कोर्ट से जो है फाइल उठा लो, अन्य तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। और हम गरीब आदमी हैं, अब हम क्या करें, यहाँ पर आए, हम कल भी आया था लड़का, घर पर कोई था नहीं, मोहल्ले वालों ने पकड़ा 4 आदमी। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं मथुरा की, जहाँ 72 दिनों के लिए काम के चलते ट्रेनों का संचालन बंद किया जाएगा। बता दें कि मथुरा में जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 27 नवंबर से यार्ड की रिमॉडलिंग का कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते 27 नवंबर से आने वाली 6 फरवरी साल 2024 तक मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 297 ट्रेनों का आवागमन थम जाएगा। इस फैसले से लगभग 2.5 महीने में 5,000 करोड़ के रेलवे उद्यमियों को नुकसान होने की आशंका। इसके सबसे ज्यादा प्रभाव होटल संचालकों, टैक्सी ड्राइवर, स्टेशन के आसपास ढकेल कुर्चे पर लगाने वाले लोगों पर पड़ेगा। दरअसल 72 दिनों तक के लिए यहां ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा, तो वहीं कारोबारी और उद्यमियों ने सरकार से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की। जैसा कि आपने बताया कि 27 तारीख से यहां पे यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य स्टार्ट होने वाला है, और ये 56 दिन तो प्री NI में रहेगा और 15 डेज रहेगा NI में, और उसके बाद से 45 डेज रहता है पोस्ट NI में। यार्ड रिमॉडलिंग में मथुरा जंक्शन के यार्ड की कई काम की जाएगी, उसमें परिवर्तन किया जाएगा, और उस दृष्टि से कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, और जिसकी सूचना ऑलरेडी सब जगह दी जा चुकी है। सर, क्या वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी उस ट्रेनों के लिए? वैकल्पिक व्यवस्था क्या रहेगी, जो पहले से ही बता दिया गया है पैसेंजर्स को कि ये ट्रेनें बंद रहेंगी, और कुछ ट्रेनें बेटे बात तो मथुरा की ही कर लेते हैं, जहां नगर निगम की लापरवाही का मामला सामने आया। बता दें कि यहां नाले पर लोहे का खुला जाल था, जिसमें महिला का पैर फंस गया। तो मथुरा के हृदय स्थली होली गेट चौराहे पर नगर निगम की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां चौराहे पर नाले के ऊपर लोहे का जाल खुला हुआ। बता दें कि यहां एक महिला का पैर नाले के ऊपर लगे लोहे के जाल में फंस गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को वहां से निकाला, तो वहीं आरोप है कि इस दौरान नगर निगम का कोई भी कर्मचारी और अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। तो कन्नौज में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया। बता दें कि लालग्राम थाना क्षेत्र के कुंवरपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट की गई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस संघर्ष में महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। बात ग्रेटर नोएडा की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
तो ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने सीमेंट से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली लूटकर फरार चल रहे बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान मुठभेड़ में चार बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पुलिस ने बदमाशों के पास से एक होंडा सिटी कार, चार तमंचे, सीमेंट से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद किया, जिसके बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई। पुलिस कमिश्नर महोदय गौतम बुद्ध नगर और DCP ग्रेटर नोएडा महोदय के कुशल निर्देशन में थाना दादरी पुलिस द्वारा दिनांक 23/11/2023 को एक ट्रैक्टर जिसमें कि 320 बोरी सीमेंट लदा हुआ था की लूट की घटना का सफल अनावरण किया है। SHO दादरी को सूचना मिली थी कि रामगढ़ और बड़ाकी के बीच में जंगल में एक जगह पेड़ों के पास में एक ट्रैक्टर खड़ा है जिसमें कि सीमेंट लदी हुई है तथा उसमें कुछ व्यक्ति हैं जो इसको बेचने के लिए कहीं ले जाने की फिराक में हैं। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मौके पर जाकर के ट्रैक्टर को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस ने अपने में बचाव करते हुए इनको गिरफ्तार किया जिसमें कि चार व्यक्तियों को गोली लगी है। इन घायल व्यक्तियों को तत्काल उपचार के लिए रवाना किया गया है। इन घायल व्यक्तियों के नाम विजय कुमार, विष्णु शर्मा, पिंटू शर्मा और विनोद हैं। ये सभी जिला बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इनके पास से चार अदद तमंचा 315 बोर, 5 जिंदा कारतूस 315 बोर, 4 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 1 होंडा कार जो घटना में प्रयुक्त हुई थी तथा घटना में एक लूटा हुआ ट्रैक्टर UP14ST307 475 व 320 बोरी सीमेंट कट्टे जो थे वो ट्राली सहित बरामद कर लिया गया है। इनसे पूछताछ के आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन के आखिरी में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां युवक की गोली लगने का मामला सामने आया। बता दें कि उधार के पैसे मांगने के बीच विवाद के चलते युवक को गोली मारी गई। तो झांसी में युवक को गोली लगने का मामला सामने आया। बता दें कि युवक अपने दोस्त के यहाँ से घर वापस लौट रहा था। इस बीच दबंग बदमाशों ने देवेंद्र यादव पर फायरिंग कर दी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। इस दौरान सूचना पर पहुंची प्रेमनगर थाना पुलिस ने युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पीड़ित ने बताया है कि उसने हमलावरों को लगभग 10-12 लाख रुपये उधार दिए थे, जहाँ पैसे वापस मांगने को लेकर हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की। थाना क्षेत्र प्रेमनगर के हसारी कस्बे में देवेंद्र यादव को गोली मारने की सूचना इनके द्वारा दी गई थी, जिसपे इनको जिला चिकित्सालय में भर्ती इन्हीं के परिजनों के द्वारा कराया गया था। वहां से रेफर होकर के ये मेडिकल कॉलेज में इनका इलाज इस समय चल रहा है, जो हम लोगों ने अभी सारे साक्ष्य संकलन किए हैं। इनके द्वारा पहले भी ऐसी 2 बार सूचना दी जा चुकी है और जो सारे साक्ष्य संकलन अभी तक हम लोगों ने किया है उससे प्रथम दृष्टया ये घटना क्रिएटेड लग रही है। इसके अलावा हम लोग अभी सारे टेक्निकल एविडेंस और जो इनको जिन पे आरोपित। तो यूपी के बुलेटिन अपना तो प्रदेश में भी के लिए बस इतना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ABC।